Okay, student, question number 13 is of chapter 13, okay, which is electricity. Or electricity ka hum pehla numerical karne ja rahe hain. Iske andar bada hi unique sa numerical hai aur acha numerical hai, past paper mein bhi aa chuka hai. Isme kaha ja raha hai ki teen resistors hain, R1, R2 and R3, and teenon ki resistance same. Isi wajah se main isko is tarah se likh raha hu. All three are equal. तो basically आपको चार ऐसे combination बनाने हैं जिसमें मुझे judge करना है कि इनको मैं कितने तरीकों से connect करके equal resistance निकाल सकता हूँ और तीनों के equal resistance निकालने. So पहला है all are connected in series. All are in series. अगर हम तीनों को series में रखें तो क्या होगा? All are in series. तो सीरीज में रखने का मतलब है पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस एंड तीसरा रेजिस्टेंस. इट इज R1, R2, R3. तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आपके पास फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है. इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. जस्ट आपने सम करना है. तो R1, R2, R3 50 है सबकी वैल्यू. जस्ट ऐड कर लीजिए तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना आ जाएगा. इट विल बी 150. ओके, दिस इज योर फर्स्ट आंसर. नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट कॉम्बिनेशन. सीरीज के बाद ऑब्वियसली एक दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास पैरेलल होता है. तो मैं अगर तीनों को पैरेलल लगा देता हूँ, ऑल आर इन पैरेलल. अगर ये सारे के सारे तीनों के तीनों पैरेलल लगे तो पैरेलल के लिए कंडीशन आपके पास बड़ी सिंपल सी है और आपको पता भी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स होते हैं वो इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि सारे के सारे बैटरी से, बैटरी के टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड हो. सही है. सो दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. ओके, तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, इट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ओके, इसको सिंप्लीफाई करें. 1/50 प्लस 1/50 प्लस 1/50. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है, इट इज 16.66. दिस इज योर सेकंड कॉम्बिनेशन. ओके ओके, थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए अब क्या करना होगा? थर्ड कॉम्बिनेशन कैसे बनाए? तो थर्ड कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का है कि resistors are in series, दो resistor series में होंगे, one is parallel with both. इस तरह से कि दो आपस में series में होंगे और उन दोनों के साथ एक parallel में लगा होगा. जस्ट लाइक मैं कॉम्बिनेशन बना देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल R1 एंड R2 ये सीरीज में है और इनके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टर लगेगा विच इज R3. ओके, दिस इज R1, R2, R3. ओके, तो सबसे पहले आप सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे. तो पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे R1 प्लस R2. ओके, 50 प्लस 50, सो योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 100. और फिर आप इस R के साथ एक नया रेजिस्टेंस निकालेंगे, 1/R प्लस 1/R3. सो
अगर आप वैल्यू पुट करें और इसकी कॉम्बिनेशन की आंसर्स फाइंड आउट करें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है इट इज 33.33 ओम्स। ये आपके पास तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने हैं, सही है। चौथा जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन है टू रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, दो रेजिस्टर्स पैरेलल होंगे, वन इज इन सीरीज विद बोथ और एक जो होगा बाकी दोनों के साथ सीरीज में होगा, यानी कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का होगा कि ये एक सीरीज आ गया और इसके साथ मजीद जो दो हैं वो पैरेलल में होंगे। ओके, सो दिस इज आर वन, दिस इज आर टू एंड दिस इज आर थ्री। ओके, तो सबसे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है 1/R1 + 1/R2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी 1/50 होगा और ये भी 1/50 होगा, और अगर आप इसका एलसीएम निकालें प्रॉपरली सॉल्व करें तो उसका आंसर बनता है 25 ओम्स। ओके, और अगले ही स्टेप में आप आर फाइंड आउट करेंगे, आर प्राइम, जिसमें अब थर्ड वाला जो रेजिस्टर है वो सीरीज में, तो R+R3, तो योर वैल्यू विल बिकम, ये है 25 आपके पास और ये है 50, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आएगा 75 ओम्स। तो ये थर्ड फोर्थ पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो आपने तीनों रेजिस्टर्स का देखा, तो होपफुली ये आपको हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स ऑल।